पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अपनी ही भतीजी से डिप्टी कमिश्नर ने की लव मैरिज, घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आपने लव मैरिज की कई सारी खबरें सुनी होगी कि किसी प्रेमी ने अपने प्रेमिका के साथ भागकर शादी रचा ली, लेकिन बेगूसराय से एक बेहद ही अजीब खबर सामने आई है, जहां पर एक डिप्टी कमिश्नर को अपनी ही भतीजी से प्यार हो जाता है और फिर वो लव मैरिज कर लेते हैं। बिहार के बेगूसराय में एक अनोखी प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ के उपनगर आयुक्त शिव शक्ति कुमार ने अपनी ही भतीजी संजय सिंधु से प्रेम विवाह रचाया है। शुरुआत में संजय के परिजनों ने शिव शक्ति पर अपहरण का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में दोनों प्रेमी सामने आए और उन्होंने अपनी प्रेम कहानी सबको बताई। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब संजय के परिजनों ने शिव शक्ति पर अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। संजय के चाचा अरुण कुमार राय ने नगर निगम के मेयर पिंकी देवी और नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह से मिलकर ये शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि ये शिव शक्ति रिश्ते में उनके चचेरे भाई लगते हैं और उन्होंने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है। वहीं मेयर ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी थी। हालांकि अब शिव शक्ति और संजय दोनों ने सामने आकर अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रेम विवाह किया है और उनका अपहरण नहीं हुआ है। वहीं संजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रेम करना किसी का व्यक्तिगत निर्णय है और इसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए। हम वैशाली पुलिस से कहना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है और जो हमारा अपहरण का केस दर्ज हुआ है, उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है, वो गलत है। अगर हमारा अपहरण हुआ होता तो हम आपके सामने थोड़ी ना होते। संजय ने आगे बताया कि प्रेम विवाह के बाद उनके और शिव शक्ति को परेशान किया जा रहा है। संजय ने कहा कि लव मैरिज करने के बाद उन्होंने कई तरीकों से परेशान करना शुरू कर दिया। हमारे वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा करने की कोशिश की गई। वहीं शिव शक्ति ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुझे वैशाली प्रशासन से कहना है कि हम लोगों ने प्रेम विवाह किया है, कोई अपहरण नहीं हुआ है, यहाँ अनैतिक कार्यों का कोई मुद्दा नहीं है। हमें बस यही सहयोग चाहिए कि वो हमारा सहयोग करें और हमें सुरक्षा मुहैया कराएं, ताकि हम लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। बता दें कि शिव शक्ति और संजय दोनों वैशाली जिले के एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। इस अनोखी प्रेम कहानी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। तो देखिए, जो प्रेमी और प्रेमिका है जिन्होंने शादी रचा ली है, वो दोनों वैशाली जिले के हैं, लेकिन दोनों ने बेगूसराय में ये अपनी शादी रचाई है। क्या कुछ उनका कहना है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।